नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट नॉलेज में। दोस्तों आज हम उन 7 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया है। दोस्तों पहली कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, जिसने 7 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, जिसकी रिकॉर्डेड 19 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है नाहर कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसने 1.50 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 17 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है अमृतंजन हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसने 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 17 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड, जिसने 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 17 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है MRF लिमिटेड, जिसने 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 19 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है EID पैरी इंडिया लिमिटेड, इसने 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 18 नवंबर 2021 है। अगली कंपनी है औरबिंदो फार्मा लिमिटेड, इसने 1.50 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्डेड 18 नवंबर 2021 है। दोस्तों आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों भविष्य में बोनस, स्प्लिट, राइट्स, डिविडेंड्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को डेली पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।